मेरी इजराइल सीरीज की सिक्स्थ वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इस्लाम धर्म फॉलो करने वाले लोगों के लिए थर्ड होलीएस्ट साइट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट और सेकंड में विजिट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, पर थर्ड होलीएस्ट साइट मैंने विजिट करी जो कि थी जेरूसलम इजराइल में। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, कहाँ पे, जेरूसलम में ही हूँ अभी भी मैं, और मैं आज जा रहा हूँ टेम्पल माउंट। ये है, वहीं पहुँच के बताता हूँ मैं क्या है। ये अल अक्सा भी कहते हैं, टेम्पल माउंट भी कहते हैं, डॉम ऑफ द रॉक भी कहते हैं, और पता नहीं और कौन से नाम है, पर वहीं जा रहा हूँ। मेरे को रास्ता नहीं पता और 10:30 तक पहुँचना है और 9:40 या 45 हो चुके हैं क्योंकि उसके बाद वो बंद हो जाएगा। 40 हो चुके हैं, 9:40 हो चुके हैं, पर वो रास्ता नहीं पता। मैं और फटाफट रास्ता पूछ लेता हूँ और फिर उस तरफ चलना शुरू करते हैं। फिर आपको दिखाता हूँ क्या है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊँगा आपको, और काफ़ी इन्जॉय करोगे इस वीडियो को, लास्ट तक देखना। टेम्पल माउंट अल अक्सा और वेस्टर्न वॉल बड़े पास पास हैं, तो दोनों एक साथ ही विजिट कर सकते हो या फिर अलग अलग, मेरे को पता नहीं था। कर ये रास्ता जाता है टेम्पल माउंट की तरफ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रास्ता, आपको पूछना पड़ेगा। देखो डोम दिख रही है पीछे, वहाँ जा रहा हूँ मैं अभी। थोड़ा स्टेबलाइजेशन में दिक्कत है भाई, थोड़ा बियर कर लो प्लीज़। और यहाँ से इस पूरे स्टेयर्स पे से नीचे ही वेस्टर्न वॉल है, पर अब यहाँ से इन्होंने ये लगा दिया तो देख नहीं सकते। ये वेस्टर्न वॉल का एरिया है, ये मैं जा रहा हूँ टेम्पल माउंट या फिर अल अक्सा की तरफ। टाइम हो गया 9:55 और मैं पहुँच गया हूँ, 35 मिनट अभी बचे हैं, तो वहीं पे बैठ के हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ये एंट्रेंस है और सामने सवेरे से पीछे इजरायली सैनिक, पुलिस वाले, पता नहीं क्या हैं, मेरे को ड्रेस कोड नहीं पता है। तो मैं टेम्पल माउंट की तरफ ही जा रहा हूँ, दिख रहा है मेरे को, और दिख गया। अब बताता हूँ आपको बैठ के इसकी हिस्ट्री, मज़ा आएगा सुनना। और यहाँ पे चल रही थी भाई बहुत तेज़ हवा, तो मैं अब आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो में क्या कह रहा हूँ, वरना आप हवा की आवाज़ सुन सुन के पागल हो जाओगे। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है इसको कहते हैं अल अक्सा या फिर टेम्पल माउंट। रिलीजन के हिसाब से बहुत ही पवित्र जगह है और ये मुस्लिम्स के लिए वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट होलीएस्ट प्लेस है, जिनमें से मक्का सबसे ज़्यादा होलीएस्ट प्लेस है और उसके बाद आती है मदीना और उसके बाद आता है अल अक्सा मॉस्क। गोप्रो ने मेरा जवाब दे दिया, पता नहीं क्या हुआ, हॉस्टल से निकला और ऑन ही नहीं हो रहा, अब दोबारा जाके नई बैटरी डालूंगा। तो मेरे पीछे ये टेम्पल माउंट, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए थर्ड होलीस्ट प्लेस है। इसके टाइमिंग अगर आप आना चाहते हो, अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो टेम्पल के अंदर जा ही नहीं सकते, ठीक है, जो कि मैं हिंदू हूँ तो मैं अंदर जा ही नहीं सकता और आपको अंदर का कुछ दिखा ही नहीं सकता। सर्दियों का टाइमिंग है 7:30 से 7:30 और गर्मियों का 8:30 से 11:30 और शाम को भी, दोपहर में भी 1 घंटा खुलता है 12:30 से 1:30 बजे तक, मतलब कंपाउंड में आने के लिए इतने बजे खुलता है और फिर बंद हो जाता है। तो ये इस मॉस्क के बाहर ही जो इब्राहिम थे उन्होंने अपने बेटे इसाक जो पिछली वीडियोज़ की, अगर आपने हिस्ट्री नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियोज़ देख के आ जाओ प्लीज़, उसकी यहाँ पे मतलब कुर्बानी देने के लिए आए थे वो। तो इस टेंपल की चारों तरफ दीवारें बना दी गई हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरे जेरूसलम में आप फ़ोटो दिखोगे ना तो सबसे पहले यही टेंपल दिखता है। इसको मॉस्क कह लो या टेंपल माउंट कुछ भी कह लो यार, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो टेम्पल माउंट कह रहे थे और मैंने उनसे पूछा अल अक्सा, तो उन्होंने कहा टेम्पल माउंट, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो अब यहाँ के थोड़े शॉट्स इन्जॉय करो,
थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी यार मेरे को बस, तो थोड़ी सी मैंने बता दी। और चाहो तो आप इसका गाइडेड टूर ले सकते हो सिटी का पूरा, जिसमें सिटी की सारी होली प्लेसेस आएंगी, पर वो 140 शेकल का अराउंड है टूर वो वाला। पूरे जेरूसलम में ज्यूज़ के लिए सबसे सेक्रेट प्लेस है जहाँ पे वो प्रे करते हैं, वो है वेस्टर्न वॉल। मुस्लिम्स के लिए सबसे सेक्रेट प्लेस यहाँ पे है टेंपल माउंट। क्रिश्चियंस के लिए यहाँ पे सबसे सेक्रेट प्लेस है चर्च ऑफ होली स्पेक्टर। एक चीज़ का ध्यान और रखना है आप लोगों को, वो क्या है कि भाई पूरी पैंट पहन के आना है एंकल्स तक, और पूरे हाथ वगैरह सब कवर होने चाहिए। हाथ नहीं मतलब ये नहीं, पूरे यहाँ तक, जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है जो कि मुस्लिम्स में हमेशा से रूल रहा है। तो ये नहीं कि आप उसमें आ गए हो शॉर्ट्स वगैरह में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री तो खैर इसके अंदर जाने वैसे भी नहीं मिलेगी अगर आप मुस्लिम नहीं हो, पर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब इसके अराउंड थोड़ा चक्कर लगाते हैं, थोड़ा पास से आपको इसके शॉर्ट्स दिखाता हूँ। तो यार मतलब जेरूसलम ना ऐसी प्लेस है, आके ऐसा लगता है कि भाई मतलब मैं भगवान में इतना मानता नहीं हूँ, और यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यार इतना मतलब वो धार्मिक इन्फ्लुएंस है ना, कि मतलब देख के लगता है हाँ भाई कि कुछ तो बात है कि इतने लोग मतलब भगवान में प्रे कर रहे हैं। पर ठीक है, अपना अपना होता है, सबका अलग अलग होता है। अब शाम को मैं जाऊंगा, शाम को नहीं अभी थोड़ी देर में ही वापस फलाफल खाएंगे और फिर निकलेंगे अपना बैथलेम की तरफ। बैथलेम है पैलेस्टीन में, और उससे पहले एक और काम है, उससे पहले एक क्या काम है, राव का जो कार्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, उसके ऑफिस में जाऊंगा मैं और पूछूंगा भाई मेरे जो 100 शेकल कटे हैं इसका कुछ हो सकता है क्या। अब वैसे हो तो जाना चाहिए यार, पर पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है, देखते हैं अब क्या होता है। पहले राव का सेंटर चलेंगे, फिर वहीं से बस लेंगे और चलेंगे। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, बड़ी मेहनत से यहाँ पे खुद से ही टाइमर है, मैं सेट करके फोटो खींचता हूँ। तो इस जगह पे मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं फोटोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ कि भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, मेरे बालों और कपड़ों से आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा गोप्रो ने भी काम नहीं किया था, पता नहीं उसको क्या हो गया था, इसलिए वरना मैं गोप्रो से शूट करता, पर मजबूरी में इस कैमरे से मेरे को शूट करना पड़ा था। एक रूल और याद आया, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो जूश प्रेयर करने की कोई बुक वगैरह या फिर कोई भी जूश आइटम नहीं लेके आना है यहाँ पे, या फिर क्रिश्चियन भी मत लेके आना और हिंदू आइटम भी कुछ मत लेके आना। वैसे कोई कुछ चेकिंग वेकिंग इतनी करी नहीं है, पर अलाउड नहीं है, ठीक है। ये है मॉस्क की एंट्रेंस, जिसमें से सिर्फ मुस्लिम लोग अंदर जा सकते हैं और कोई नहीं। पासपोर्ट भी आपका पूछ सकते हैं, अगर उनको लगा कि आप मुस्लिम नहीं हो तो वो भी ले आना, अगर आप मुस्लिम हो और अंदर जाना चाहते हो तो। तो मेरा अंदाज़ा सही था, 7:30 से 10:30 तक होता है सुबह का टाइम, 10:30 होते ही ये कहने लग गए चलो क्लोज हो गया, भागो यहाँ से। ऐसे नहीं, मजाक था भाई, ठीक है कोई सीरियस मत होना। मतलब 10:30 हो गया, चलो ये क्लोजिंग का टाइम है, अब 12:30 से खुलेगा ये, 12:30 से 1:30 बजे तक 1 घंटे के लिए खुलता है। मेरे पीछे ही है, अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल की तरफ, फलाफल खाते हैं वहाँ पे और फिर चलते हैं राव काओ ट्रांसपोर्ट सेंटर। उम्मीद करता हूँ विंड नॉइज़ के बावजूद आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय करी होगी। अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी या फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना और अगली वीडियो तक बने रहना।